गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बेटा आपके चैप्टर टू में कंजक्शंस दिए हैं, ग्रामर पोर्शन वो करेंगे। कंजक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स, वर्ड्स विच दे ज्वाइन, वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शंस। यानी ऐसे शब्द जो शब्दों के समूह को, वाक्यांशों को या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वे हमारे कंजक्शंस यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। दे आर सिंपल कंजक्शंस, दे शो इक्वालिटी ऑफ आइडियाज, दे ज्वाइन। यानी कि इनका फार्मूला बेटा एक है याद करने का आपको, फैन बॉयज, फैन बॉयज। आप ये याद करोगे, फैन बॉयज, एफ फोर फोर, आ फोर एंड, एन फोर नो नॉर, बी फोर बट, ओ फोर और, वाई फोर गेट, एस फोर सो। अब देखो इनका यूज कैसे करेंगे, एंड का यूज करते हैं बेटा टू ज्वाइन और ऐड, यानी किसी नाउन को या फिर किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। जैसे ही एट ब्रेड एंड बटर, बट का हम यूज करते हैं बेटा टू ज्वाइन अपोजिंग आइडियाज, यानी कि अपोजिट शो करने के लिए। जैसे ही इज शॉर्ट बट फास्ट, और का यूज करते हैं बेटा टू शो चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, यानी दो में से एक को चुनने के लिए। पिक अ ब्लू और रेड ड्रेस, ये था बेटा आपका एक्रोनियम्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब है आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। एग्जाम्पल, वेयर, विच, इफ, बिकॉज, व्हाइल, ऑल्दो, टिल, बिफोर, दो, ये सब इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। इनका हम यूज कैसे करेंगे, देखो, बिकॉज, एज, देयरफॉर, सो, हैंस, एज, इन सब का, यानी इन सब में से किसी का भी, इन सब को हम यूज करते हैं टू शो रीजन, कारण शो करने के लिए। जैसे आई डिड इट बिकॉज आई लाइक इट, इवन इफ, अनलेस, अनटिल, एज लॉन्ग एज, इनमें से किसी एक का, यानी इन सब में से सबका यूज हम करते हैं टू शो कंडीशन, कंडीशन शो करने के लिए या फिर टाइम शो करने के लिए। जैसे कि यू कांट बी अ लॉयर unless you have a degree in law, otherwise का हम यूज करते हैं बेटा टू शो चॉइस मेड, चॉइस के लिए। वॉक फास्ट, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ये तो था बेटा आपका कंजक्शंस। अब है आपके पार्ट टू के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, पार्ट वन के लेसन टू के क्वेश्चन आंसर्स, बट आई रियली लाइक इन द स्टोरी, मुझे इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। आई लाइक द फ्रेंडशिप ऑफ द फोर फ्रेंड्स, यानी फोर्स, मुझे उन चारों की दोस्ती अच्छी लगी। बट आई लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आई लर्न दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, कि मैंने सीखा कि मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। नेक्स्ट, वाई डिड द हंटर्स डिसाइड टू स्टे इन द फॉरेस्ट फॉर द नाइट, शिकारियों ने रात को जंगल में रुकने के लिए क्यों निश्चय किया। बिकॉज दे हंटेड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग बट गॉट नथिंग, क्योंकि वे सुबह से लेकर शाम तक शिकार करते रहे परंतु उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। सो दे डिसाइडेड टू स्टे इन द फॉरेस्ट फॉर द नाइट, इसलिए उन्होंने रात को जंगल में रुकने का निश्चय किया। नेक्स्ट, हाउ डिड द हंटर्स गेट टू नो अबाउट द हॉक फैमिली, शिकारियों को कैसे पता चला बाज फैमिली के बारे में। When the smoke of the fire woke up the birds, जब आग के धुएं से पक्षी जाग गए, the young ones started crying,
तो छोटे बाज के बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, व्हाई डिड द फादर हॉक विजिट हिज फ्रेंड्स लेट एट नाइट। जो पिता बाज था वो रात को इतनी देर तक अपने दोस्तों के यहाँ क्यों गया? बिकॉज द हंटर्स वॉन्टेड टू ईट हिज यंग बेबी वंस या यंग बेबीज। क्योंकि शिकारी जो थे वे उसके बच्चों को खाना चाहते थे। सो द फादर विजिटेड देम फॉर हेल्प। इसलिए पिता बाज उनके पास हेल्प के लिए गया था। एट्थ क्वेश्चन, दीज हंटर्स आर प्लानिंग टू ईट आवर बेबीज। ये शिकारी हमारे बच्चों को खाने की योजना बना रहे हैं। यू मस्ट गेट हेल्प फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू सेव अस। तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए हेल्प के लिए और उन्हें हेल्प हमें बचाने के लिए कहना चाहिए। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेल अस अबाउट मदर हॉक। इस स्टेटमेंट से हमें माँ बाज के बारे में क्या पता चलता है? She was worried about their babies. She wanted to keep them safe. कि वह जो माँ थी, माँ बाज, वह अपने बच्चों के लिए चिंतित थी। उन्हें उसे उनकी चिंता थी अपने बच्चों की और वह उनको सुरक्षित चाहती थी। आई होप बेटा यू विल गेट इट। नेक्स्ट इनके आगे जो भी ग्रामर क्वेश्चन या क्वेश्चन आंसर है आपको बेटा सेंड कर दिए जाएंगे। आपको अपनी बुक में फिल करना है और याद करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।